मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अनुप्रिया, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकुड़ पॉलिटेक्निक पाकुड़। माय टुडेस टॉपिक इज फ्लैग इन माइक्रो प्रोसेसर। ओके, फ्लैग इन माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आता है। जो भी आर्किटेक्चर मैंने इसके पहले पढ़ाया है 8085 का, उसके अंदर एक टर्म था यहाँ पे लगा हुआ फ्लैग। फ्लैग जैसे बेसिकली हम लोग पहले भी बताए थे कि फ्लैग क्या है, इंडिकेशन मीडियम है। तो जैसे हम लोग ट्रेन का फ्लैग क्या करता है, इंडिकेट करता है। सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर का जो फ्लैग है वो भी क्या करने का काम कर रहा है, इंडिकेट करने का काम कर रहा है, किसी भी टाइप का इंडिकेशन हो। ठीक है, बेसिकली क्या है यहाँ पे कि फ्लैग क्या होता है, इट इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर के अंदर आता है, ठीक है ना, जो कि शो करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट, जो कि अक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हुआ है फाइनली। ठीक है, इन अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये शो करता है स्टेटस ऑफ प्रोग्राम को। ठीक है, कि जो हमारा प्रोग्राम हुआ है, जो हमने कंप्लीट किया है, डन किया है, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन जो भी कंप्लीट किया है, किससे, माइक्रो प्रोसेसर 8085 का आर्किटेक्चर से, वो अक्यूमुलेटर पे जाके स्टोर हो गया और उसका स्टेटस को दिखाने का काम कर रहा है कौन, फ्लैग। ठीक है, फ्लैग बेसिकली क्या होता है, उसको कह सकते हैं कि वो 8 बिट का है, लेकिन 8 बिट का होता है बट 5 बिट को ही वो यूज कर पाता है। ठीक है, क्योंकि वो देखता है कि आप 5 बिट में ही सारा का सारा जो भी इसका क्राइटेरिया था उसको फुलफिल कर ले रहा है, तो 3 बिट क्या है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, 3 बिट वो खाली रह जाता है। तो अभी इसके बारे में देखेंगे, इसके पहले जानते हैं कि फ्लैग का कितना टाइप होता है। जैसे मैंने बोला कि 5 बिट को ही वो इंडिकेट कर पाता है, तो 5 बिट को इंडिकेट करता है, तो इसमें क्या है, 5 फ्लैग होगा जो कि 5 बिट को इंडिकेट करेगा, यानी 5 टर्म को इंडिकेट करेगा। 5 टर्म क्या क्या होता है, जैसे इसमें है फ्लैग के अंदर 5 टाइप क्या होता है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और एक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ, साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग को हम लोग नोटेड करते हैं एस से, यानी कैपिटल एस से, जीरो फ्लैग के नोटेड करते हैं जेड से, कैरी फ्लैग को नोटेड करते हैं सी वाई से, या फिर बहुत जगह सी से भी नोटेड किया जाता है, डजंट मैटर। तो इसमें क्या है, तो इसके बाद है पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सिलरी कैरी में हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं ए एक्स भी लिखता है। ठीक है ना, तो ये हो गया कितना टाइप का फ्लैग है। अब इसके इसके अंदर का भी बात करेंगे, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो साइन फ्लैग है, जीरो है, कैरी है, पैरिटी है, एक्सिलरी कैरी है, वो कहाँ कहाँ होता है। जैसे मैंने बोला कि 5 बिट को रखता है, ठीक है, तो 5 बिट के लिए कहीं ना कहीं ये फ्लैग को दिखाना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक अ फ्लैग, जैसे हम लोग ऑर्डिनरी फ्लैग देखते हैं, सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी वैसे ही फ्लैग होता है। क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग 8 ब्लॉक बना है, 8 ब्लॉक में क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि कैरी फ्लैग है, पायरेटी फ्लैग है, एक्सिलरी कैरी फ्लैग है, जेड फ्लैग है और क्या है, साइन फ्लैग है। ठीक है, बीच बीच में जो क्रॉस का साइन है, इसका मतलब एक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये जगह खाली है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। फिर से बता रही हूँ, कैरी फ्लैग इसको बोलते हैं, सी वाई को क्या बोलते थे, कैरी फ्लैग बोलते थे यहाँ पे, देखिए है ना। इसके बाद क्या है, पायरेटी फ्लैग, पायरेटी फ्लैग को किसे डिनोट करते थे, पी से डिनोट करते थे। यहाँ पे पायरेटी फ्लैग है, यहाँ पे क्या है, एक्सिलरी कैरी फ्लैग है, जो कि यहाँ पे है एक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है, इसके बाद 1 बिट खाली रखता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आता है, जेड फ्लैग। जेड फ्लैग कहाँ पे, यहाँ पे जेड फ्लैग, दिस वन इज जेड फ्लैग, और लास्ट में कहाँ है, एस फ्लैग, जो कि साइन फ्लैग है। साइन फ्लैग को इंडिकेट किया है किससे, एस से। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 8 बिट को ही रखता है, मतलब 8 बिट को हम लोग यूज लेते हैं, लेकिन 5 बिट को ही यूज कर पाता है। ठीक है, फ्लैग, तो इसका हम लोग पोजिशन डिनोट कर देते हैं क्या, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और क्या है, D7 तक। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, D0, D1,
D2, D3, D4, D5, D6 और D7. 0 से 7, 0 से 7 कितना बिट? 8 बिट्स है ना, तो यही बात बोला है D0 से D7 तक कितना बिट को रखा है? 8 बिट को रखा है, ठीक है ना, 8 बिट्स को रखा है, लेकिन 5 बिट ही इसका यूजफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे ये तो बता दिया कि फ्लैग कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, और एक चीज, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे आपने ले देखा है कि कैरी यहाँ पे, पैरिटी यहाँ पे है, एक्सिलरी कैरी यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, साइन यहाँ पे है। हम लोग इसका पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि कैरी को यहाँ लिख दे, पैरिटी को यहाँ लिख दे, एसी को यहाँ लिख दे और जेड को यहाँ लिख दे। ये जो पोजीशन है वो फिक्स कर दिया गया है 8085 का फ्लैग के अंदर, ठीक है। हम लोग कहीं भी इसको मिसप्लेस नहीं कर सकते कि एस को यहाँ लिख दिया और जेड को उधर लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते। ये क्या है, ऑलरेडी फिक्स हो गया है किसमें, 8085 का फ्लैग रजिस्टर में, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है ये, ओके। अब आते हैं क्या, यहाँ पे क्या है कि फ्लैग ऑफ 5 टाइप्स, ठीक है। 5 टाइप्स के बारे में आपको बताया क्या है, साइन, जीरो, कैरी, पैरिटी, एक्सिलरी कैरी, ठीक है, ये 5 फ्लैग है। इसके बाद जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 5 टाइप का कैरी है फ्लैग है, ठीक है ना। 5 टाइप का फ्लैग में क्या, कैसे भी आप उसको पढ़ सकते हैं। मेन बेसिक टर्म क्या है कि इसका क्या क्या कंडीशन है, वो ज्यादा मैटर करता है कि इसका क्या क्या कंडीशन के ऊपर काम कर रहा है। हमारा जो भी डेटा या फिर बोल सकते हैं जो भी रिजल्ट जो कैलकुलेट हुआ है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है ना, वो कहाँ जाके स्टोर हुआ है फिलहाल के लिए, अभी जाके स्टोर हुआ है अकुमुलेटर में। तो अकुमुलेटर से ही सारा का सारा जो भी रिजल्ट है उसका स्टेटस के बारे में डिनोट करेगा, उसके स्टेटस के बारे में बोलेगा कौन, ये फ्लैग, ठीक है। अब आते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे क्या कि साइन फ्लैग, ठीक है। साइन फ्लैग का मतलब क्या होता है, साइन फ्लैग क्या, ये साइन को डिनोट करने का काम करता है, साइन को डिनोट करने का काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव आया है या निगेटिव आया है। सपोज दैट हम लोग जैसे अभी और भी इसका एग्जाम्पल देंगे, तो 2 + 3 जो हमारा रिजल्ट आया है वो कितना आया है, +5 में आया है। तो +5 में आया है तो +5 को ये साइन फ्लैग डिनोट करेगा कि वो प्लस में आया है कि माइनस में आया है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इसमें एक और टर्म है कि जो D7 का पोजीशन है, D7 के पोजीशन के पास क्या है, S लगा हुआ है, ठीक है ना। D7 का पोजीशन के पास क्या है, S लगा हुआ है। S में क्या है, अगर D7 का पोजीशन के पास अगर 1 रहता है, D7 के पोजीशन के पास अगर 1 आता है, ठीक है ना, 1 आता है, तो क्या होगा, जो साइन फ्लैग है वो 1 इंडिकेट करेगा, ठीक है। और 1 का मतलब है इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं MSB का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इस पोजीशन को बोलते हैं क्या, MSB यानी फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे D7 का पोजीशन पे, ठीक है। अगर MSB का वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। MSB का मतलब क्या है, वही D7 को पोजीशन, D7 के पोजीशन को क्या कहते हैं, MSB बोलते हैं, ठीक है ना। मेन वही बात बोलना है कि D7 के पोजीशन को क्या बोलते हैं, MSB बोलते हैं। और MSB का अगर वैल्यू 1 आया, यानी यहाँ पे 1 आया, देन इसका जो स्टेटस फ्लैग है यानी कि साइन फ्लैग है वो 1 इंडिकेट करेगा, ठीक है। 1 का मतलब क्या, नेगेटिव में आंसर आया है, ठीक है। अभी क्या है, डी अगर 1 नहीं आया है तो क्या आएगा, दूसरा आएगा 0। हम लोग सब जानते हैं क्या कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिजिटल टर्म में काम करता है, या तो 0 को इंडिकेट करेगा या तो 1 को इंडिकेट करेगा, 2, 4, 5, 6 को इंडिकेट नहीं करता, ठीक है ना। अगर करेगा भी 2, 4, 5, 6 को इंडिकेट तो वो बाइनरी के टर्म में करेगा, यानी 0, 1, 0, 1 के टर्म में करेगा, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो उसी टाइप से या तो साइन फ्लैग 1 इंडिकेट करेगा या 0 इंडिकेट करेगा, सारा फ्लैग या तो 1 इंडिकेट करेगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन 1, अदरवाइज क्या, 0, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे क्या है कि साइन फ्लैग यहाँ पे अगर D7 का पोजीशन में अगर 1 है तो साइन फ्लैग क्या इंडिकेट किया है, 1 इंडिकेट किया, यानी निगेटिव साइन है वहां पे।
और इसके बाद अगर D7 का पोजीशन पे अगर 1 नहीं है तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, 0 होगा। तो 0 यहाँ पे है, ठीक है। अगर D7 के पोजीशन के पास 0 है, इसका मतलब क्या, जो साइन फ्लैग है वो इसको 0 इंडिकेट कर रहा है। ये काम हो गया क्या, साइन फ्लैग का। ये क्या काम कर रहा है, नेगेटिव साइन को इंडिकेट करने का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। साइन फ्लैग जिसको MSB बोलते हैं, D7 पोजीशन को, ठीक है। अब आते हैं जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग क्या है, ये भी एक टाइप का फ्लैग है जो कि इंडिकेट कर रहा है हमारा जो रिजल्ट है, ओवरऑल रिजल्ट, जैसे हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट है। जैसे सपोज दैट 2-2, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये वाला चीज आ गया, यानी कि 2-2 जो आया है, अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं, 0 आया है इसका रिजल्ट, तो यहाँ जेड फ्लैग जो है वो 1 इंडिकेट करेगा। देखिए यहाँ लिखा भी है, अगर रिजल्ट रिजल्ट इज 0, किसका रिजल्ट, अकुमुलेटर में जो स्टोर हुआ है वो रिजल्ट, ठीक है। तो वो रिजल्ट अगर 0 आया है तो जेड का जो साइन है वो क्या इंडिकेट करेगा, 1 को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और अगर जेड, अगर रिजल्ट जो अकुमुलेटर में स्टोर हुआ है अगर 0 नहीं है, सपोज 0 नहीं है, ठीक है ना, तो क्या इंडिकेट करेगा, जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 में इंडिकेट कर लिया अलग कंडीशन में और जेड भी इंडिकेट कर लिया अलग पोजीशन में, ठीक है। अब आते हैं कैरी फ्लैग, ठीक है। कैरी फ्लैग क्या होता है, अगर जैसे हम लोग बाइनरी एडिशन करते हैं, तो अगर 1-1 रहता है, एडिशन में 1-1 रहता है, तो ऑब्वियस बात है एक कैरी जाता है उसके बगल वाले में, ठीक है। अगर इस टाइप का कैरी अगर एडिशन में जनरेट हुआ है, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, कैरी CY इज इक्वल टू 1 होगा, अगर इफ कैरी इज जनरेटेड, या क्या बोल सकते हैं, इफ कैरी इज जनरेटेड, ठीक है। अदरवाइज कैरी अगर 0 है, यानी कैरी कहीं भी जनरेट नहीं हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं, कैरी नॉट जनरेटेड, तो क्या होगा, CY इज इक्वल टू 0 होगा। अगर 1 एक इंडिकेट कर रहा है कैरी जनरेट हो रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, कैरी नॉट जनरेटेड है तो 0 को इंडिकेट करेगा। मतलब एट अ टाइम एक रिजल्ट में या तो 1 इंडिकेट कर सकता है या 0 इंडिकेट कर सकता है, यही कर सकता है कैरी, ठीक है। पैरिटी, पैरिटी में क्या है, बेसिकली जो पैरिटी होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है क्या, इवन पैरिटी, और दूसरा क्या होता है, ऑड पैरिटी, ठीक है। इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, इवन का मतलब हम लोग समझ सकते हैं क्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, इवन पैरिटी है। ऑड पैरिटी का मतलब क्या, 1, 3, 5, 7, मतलब ये क्या, जो ऑड नंबर में जाता है, ये इवन और ऑड का टर्म है। इवन का मतलब है, अगर हम इसका जो है यहाँ पे बता रहे हैं, अगर इवन का मतलब है, अगर 4-1 आया है कहीं पे भी, 4-1 इस टाइप से सपोज रहे, तो क्या होगा, अगर 4-1 आया है मतलब क्या, जो नंबर ऑफ वंस है वो कितना है, 4 है, जो कि किस में आ रहा है, इवन नंबर में आ रहा है। 4 किस में आता है, इवन नंबर में आता है। तो जो पैरिटी फ्लैग है वो क्या बताएगा, 1 को इंडिकेट करेगा कि 4-1 मेरे पास आया है लास्टली ओवरऑल रिजल्ट के बाद, ठीक है ना। रिजल्ट जो अक्युमुलेटर में सेट हुआ है उसमें बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ वंस है, तो क्या होगा, ये 4 नंबर ऑफ वंस, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अगर 4 है तो क्या बोलेंगे कि पैरिटी जो है वो इवन है और पी कितना सेट हो जाएगा, 1 सेट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज डेट 3 है, है ना, 3 नंबर ऑफ वंस है, गिनती कर लेंगे 1, 2, 3, ठीक है, 3 है इवन ऑड नंबर में, यानी 1, 2, 3 है, यानी 3 नंबर ऑफ वंस है। जब 3 नंबर ऑफ वंस रहेगा तो हम जानते हैं कि 3 किस में आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है, तो ये क्या आएगा, ऑड पैरिटी के अंदर आ जाएगा। तो P इक्वल टू क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, ठीक है ना। अभी जितना कुछ भी बताया है सारा को हम एग्जांपल देके बताएंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। अब लास्टली जो है ये क्या है, एक्सिलरी कैरी। पैरिटी तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट वन इज द एक्सिलरी कैरी, ठीक है। एक्सिलरी कैरी को हम लोग AC से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब AC में क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं निबल टू निबल कैरी। अब निबल क्या होता है वो देखते हैं। निबल में क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है कि निबल का मतलब होता है 4 बिट्स एट अ टाइम 4 बिट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 निबल इज इक्वल टू होता है, 1 निबल इज इक्वल टू होता है 4 बिट्स, है ना।
इसको क्या बोलते हैं, वर्निबल। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जैसे देखिए यहां पे क्या है कि ये जो D0, D1, D2, D3 ठीक है ना, ये क्या आ रहा है, 4 बिट है यहाँ पे, यानी हम लोग बोल सकते हैं 4 बिट्स है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो बच गया 4, ये क्या है, अलग निबल है ना, ये वाला क्या है, वन निबल, ये अलग से आ रहा है। यानी कि ये जो फ्लैग है इसमें टोटली कितना, 4 4 8 बिट यूज हुआ है, और 2 निबल को हम लोग बोल सकते हैं कि 2 निबल है। 1 निबल इक्वल टू व्हाट, 4 बिट्स है ना, 4 बिट्स इसमें क्या बोल सकते हैं, ये है 1 निबल है। तो सिमिलरली 1 निबल इक्वल टू क्या होता है, 4 बिट्स। अगर D3 का कैरी D4 में जाता है तो एक्सिलरी कैरी क्या बोलेगा कि यहाँ पे AC इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अगर D3 का कैरी D4 में जाता है, D3 कहाँ पे है, दिस वन इज द D3, यानी D3 का जो कैरी है, जो यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है, अगर वो इस पोजीशन में आता है, D4 के पास अगर कैरी आता है, कैरी कितना आएगा, 1 आएगा है ना, सपोज दैट अगर कैरी 1 आता है तो एक्सिलरी कैरी का जो फ्लैग है वो क्या इंडिकेट करेगा, AC इज इक्वल टू 1 इंडिकेट करेगा। और अगर D3 से D4 के पास कैरी नहीं जाता है, सपोज नहीं गया है कैरी एडिशन के टाइम में, तो क्या हुआ है, जो AC है इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, AC इज इक्वल टू व्हाट, 0 आएगा। ठीक है ना, तो ये सब सारा टर्म जो है, साइन, 0, कैरी, एक्सिलरी कैरी, पैरिटी फ्लैग, ये सब समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको कि साइन फ्लैग क्या हो रहा है। ठीक है, साइन फ्लैग में क्या हो रहा है, MSB को देखते हैं, और MSB का जो पोजीशन है वो D7 का ही पोजीशन को बोलते हैं MSB। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा D7 और MSB। अगर D7 जो है अगर 1 है, यानी MSB 1 है, तो S1 को इंडिकेट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, 0 को इंडिकेट करेगा अगर वहां पे 0 है। नेक्स्ट वन इज 0 फ्लैग। 0 फ्लैग में क्या है कि अगर रिजल्ट 0 से स्टोर हुआ है, किसमें, अकुमुलेटर में। हम लोग जानते हैं कि लास्टली हमारा जो रिजल्ट होगा जाके स्टोर होता है, अकुमुलेटर में स्टोर होता है। ठीक है, तो रिजल्ट अगर 0 आया है तो जो जेड है, यानी 0 फ्लैग है, वो क्या इंडिकेट करेगा, 1 को इंडिकेट करेगा, अगर रिजल्ट 0 आया है तो। अदरवाइज अगर रिजल्ट 0 नहीं है अकुमुलेटर में, तो क्या इंडिकेट करेगा, 0 फ्लैग को इंडिकेट करेगा, यानी कि जेड इक्वल टू 0 करेगा। ठीक है, उसके बाद कैरी फ्लैग, अगर एडिशन में कैरी जनरेट हुआ है ना, अभी आगे देखेंगे, कैरी जनरेट हुआ है तो लोग क्या बोलेंगे, कैरी CY इक्वल टू 1, अगर कैरी जनरेट हुआ है तब, और नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, उसको 0 बोलेंगे। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है कैरी जनरेट, इफ कैरी नॉट 0 होगा, जब कैरी नॉट जनरेटेड होगा, कैरी नॉट जनरेटेड। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ वन पैरिटी फ्लैग। ठीक है, पैरिटी फ्लैग में क्या है, 2 टाइप का पैरिटी मैंने भी बताया, क्या इवन पैरिटी और क्या है ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी में क्या है, जब इवन नंबर ऑफ 1 रहेगा, जैसे यहाँ पे इवन नंबर ऑफ 1 1 0 1 1 0 1 0, देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ क्या है, इवन नंबर। ठीक है, क्या क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑफ अगर 1 रहेगा, ये है और ये, तीनों क्या, चारों क्या कर देंगे, काउंटिंग कर लेंगे, अगर 4 है 1 का नंबर्स, तो क्या होगा, P = 1 सेट होगा। और अगर सपोज और नंबर में है, ये वाला टर्म नहीं, चाहे कोई भी टर्म हटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 है, 3 किस में आता है, ऑड में आता है, तो ये क्या करेगा, ऑड पैरिटी को जनरेट करेगा, और P = क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा, मतलब P या तो 1 दिखा सकता है या तो 0 दिखा सकता है, वही चीज हो सकता है ना, अगर इवन नंबर में 1 आ सकता है या फिर ऑड नंबर में 1 आ सकता है। ठीक है, तो P = 1 या फिर 0। ओके, इसके बाद आते हैं क्या, एक्सिलरी कैरी में। एक्सिलरी कैरी में क्या है, निबल टू निबल कैरी होता है। निबल टू निबल का कैरी का मतलब क्या, D3 से D4 के पास अगर कैरी जनरेट हुआ है, मतलब एक निबल से दूसरे निबल में कैरी गया है, यानी D3 से D4 के पास, तो क्या होगा, यहाँ पे
एक्सिलरी कैरी में वन इंडिकेट करेगा, यानी एक्सिलरी जो फ्लैग है वो वन इंडिकेट करेगा, और अगर नहीं गया है तो क्या करेगा, जीरो को इंडिकेट करेगा। तो ये पूरा ओवरव्यू मैंने फिर से एक बार आपको बता दिया है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा एडिशन देखेंगे कि एडिशन क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम कैसे साइन बोल रहे हैं, जीरो बोल रहे हैं, कैरी बोल रहे हैं, पैरिटी बोल रहे हैं और एक्सिलरी कैरी बोल रहे हैं, ठीक है ना। फ्लैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा इंडिकेट करने का काम कर रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है माइनस में है, प्लस में है, या फिर किस टाइप का वो साइन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, किस टाइप का हमको वो स्टेटस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, पैरिटी है कि नहीं है, किस टाइप का पैरिटी है, जीरो है कि नहीं, एक्सिलरी कैरी है कि नहीं, ये सब सारा क्या कर रहा है, फ्लैग इंडिकेट करने का काम कर रहा है एक माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, ठीक है ना, माइक्रोप्रोसेसर 8085 के अंदर, ठीक है। अब आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ कि क्या इसका एग्जाम्पल है, ओके ओके, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैग, ठीक है ना। फ्लैग का आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं कि कैसे कैसे सारा सारा का सारा ये जितना भी फ्लैग है पांच का पांच फ्लैग कैसे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, जैसे हम लोग डिजिटल के टर्म में BC और DD, ठीक है, इसको ऐड कर रहे हैं, आपको स्टार्टिंग से सारा कुछ बता रहे हैं कि इसका कैसे आएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सबको कैलकुलेट कर दिया है पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक टर्म को, ठीक है। अभी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं डिजिटल के टर्म में, 9 तक तो हम लोग डिजिटल के टर्म में लिख लेते हैं, लेकिन 10 में क्या होता है, 10 को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, 10 को इंडिकेट करते हैं A, 11 को इंडिकेट करते हैं B, 12 को इंडिकेट करते हैं क्या C, 13 को D, 14 को E और 15 को क्या F, ठीक है ना। तो ये क्या हेक्साडेसिमल नंबर तक मैंने इसको बताया आपको, हेक्साडेसिमल नंबर तक क्या होता है 15 तक, यानी 0 से 15 तक, ओके। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला है BC और DD ये सबको ऐड करना है, ठीक है, BC और DD को ऐड करना है। BC का B का मतलब क्या है, B का मतलब है कि मैंने 11 नंबर को क्या लिखा है, B लिखा है, ठीक है। तो और C नंबर को क्या लिखा है, यहाँ पे 12 को क्या लिखा है, C लिखा है। D को क्या लिखा है, D को देखिए लिख रहा होगा 13, तो यानी 13 यहाँ भी लिखा है और 13 यहाँ भी लिखा है। तो इसको ऐड करना है, इसके सामने इसको ऐड करना है, इसको इसके सामने इसको ऐड करना है, इसको भी भूल जाइए, इसको भी थोड़ा देर में बताते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अभी जैसे इसमें बोल रहे हैं कि इसको बाइनरी के टर्म में लिखना है, यानी कि बी को बाइनरी के टर्म में लिखना है। तो बी का बाइनरी क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में डिजिटल के टर्म में अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, इसको 8421 के टर्म में इंडिकेट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि समझने में इजी हो। बी को क्या मैंने बोला है कि 11 है, बी 11 का मतलब क्या है, 8 की जगह 1, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 1, ठीक है ना। तो 8 2 10 और ये क्या हो गया, 11 हो गया। तो बी का टर्म क्या है, 11 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली सी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, सी क्या होता है 12, तो हम लोग 8 और 4 ये दोनों के टर्म में क्या कर देंगे, 1-1 बिट को हाई कर देंगे, बाकी बिट को क्या कर देंगे, 0 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग निबल के टर्म में लिख रहे हैं, यानी 4 बिट के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसके बाद क्या है, हम लोग इसी तरह डी को क्या बोलते हैं, 13, ठीक है, डी का क्या है 13 में क्या है, 8 के सामने 1 और 4 के सामने भी क्या 1 लिख दिए और 1 के सामने 1, तो 8 और 4 कितना 12 और एक कितना हो गया 13, ठीक है। तो 13 नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डी को कर रहा है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे भी है। अब इसका बाइनरी एडिशन करना है, बाइनरी एडिशन बहुत सिंपलीफिकेट बहुत सिंपल है, ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े भी होंगे बाइनरी एडिशन कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे 0 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है, 0 0 को ऐड करते हैं क्या होता है, 0 होता है, 1 1 को ऐड करते हैं, सपोज यहाँ पे क्या है 0 प्लस 0, इसको ऐड किए तो 0 हो गया, 0 प्लस 1 को ऐड किया क्या हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस 0 को ऐड किए तो क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 प्लस 1 को ऐड किए तो 0 आया और साथ में कैरी एक 1 लेके गया है। तो इस टर्म में इसका एडिशन होता है, मैं आपको इसको बता भी दी कि कैसे एडिशन करते हैं इसको, ठीक है। अभी क्या है, 1 और 1 1 1 का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, लेकिन बगल वाले को क्या देगा, एक कैरी भी देगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 1 के टर्म में क्या है, 0 आया और बगल में क्या है, एक कैरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। अब इस टर्म को मिटा देते हैं, इस टर्म का कोई काम नहीं है, ये बस लिखने के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, इसका एक कैरी गया ना इधर, तो क्या आ गया, 1 आ गया।
तो वन वन क्या होता है, वन वन जीरो और जीरो वन वन, यहाँ लिख दिए वन, ठीक है। अब इसका तो कैरी गया होगा, इसका कैरी कहाँ गया, इसके टर्म में गया, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक कैरी आया होगा, ठीक है, कैरी आया है यहाँ पे, तो क्या बोल सकते हैं वन वन क्या होता है जीरो, इस टर्म में देखिए वन वन क्या है जीरो है, और जीरो और वन क्या होता है, जीरो और वन क्या होता है वन, यहाँ पे वन लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, कैरी जनरेट होगा और वन वन जीरो और जीरो जीरो जीरो, ये क्या है जीरो है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे भी क्या हुआ, एक कैरी जनरेट हुआ, इसका कैरी यहाँ पे गया, इसका कैरी यहाँ पे गया, इसका कैरी यहाँ पे गया, इसका कैरी यहाँ पे गया और इसका कैरी भी यहाँ पे भी यहाँ पे गया, ठीक है। वन जीरो वन और वन वन जीरो, सिमिलरली वन वन जीरो और जीरो वन वन, और साथ में इसका क्या गया, एक कैरी गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला टर्म है, ये वाला वन, ये क्या है, कैरी को इंडिकेट कर रहा है कि कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है। बाकी यहां से यहां तक जो भी टर्म है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये D0 का पोजीशन है, D1 का पोजीशन है, D2 का पोजीशन, D3, D4, D5, D6 और ये क्या है D7 का पोजीशन। देखिए यहां पे वैसे ही है D0 से D7 तक, ठीक है, तो यहां पे भी वही पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अभी तो इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट कहां जाके स्टोर हो गया, ये वाला बाइनरी वाला अक्यूमुलेटर में जाके, यानी अक्यूमुलेटर में जाके ये स्टोर हो गया है, ठीक है, अक्यूमुलेटर में जाके ये स्टोर हो गया है। अब अक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हुआ है, डिस्प्ले करने के पहले क्या करेगा, ये सारा का सारा जो फ्लैग है उसको इंडिकेट करेगा, ठीक है, सारा का सारा फ्लैग को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए साइन, ठीक है, साइन में क्या हो रहा है कि हम लोग जानते थे, यहाँ पे साइन देखिए, साइन में क्या बोल रहा है, अगर डी सेवन का पोजिशन में वन है, D7 का पोजीशन में वन है क्या, है, तो अगर D7 का पोजीशन अगर वन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या इंडिकेट करेगा, साइन में वन इंडिकेट करेगा। देखिए साइन में क्या इंडिकेट किया है, वन किया है, D7 का पोजीशन यहाँ पे है तो, ठीक है, तो साइन फ्लैग यहाँ पे वन इंडिकेट कर दिया। अब आते हैं जीरो, इतना सारा जो एडिशन हुआ है, ये एडिशन क्या जीरो को रिजल्ट देगा क्या, जीरो कभी नहीं देगा, क्योंकि इतना सारा जो एडिशन हुआ है जीरो रिजल्ट नहीं देने वाला। तो क्या होगा, जीरो को क्या, अगर रिजल्ट जीरो नहीं होता है, यहाँ देखिए जीरो, अगर रिजल्ट जीरो है तो वन देगा, और अगर रिजल्ट जीरो नहीं है तो इसका कभी भी एडिशन इतना सारा का जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, जेड फ्लैग क्या इंडिकेट करेगा, जीरो को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आते हैं, पैरिटी। अब हमको देखना है पैरिटी, पैरिटी में क्या है कि कितना नंबर ऑफ वन है, अब कितना नंबर ऑफ वन है, तो अब ऐसे यहाँ पे क्या होगा, एक दो तीन और ये चार, यानी कि चार नंबर ऑफ वन है, इसको नहीं लेंगे, ये लास्ट वाला जो वन है ये क्या है, कैरी है, इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं पैरिटी में, ठीक है। सिंपली वन टू थ्री फोर जो हमारा कैलकुलेशन के टर्म में आया है, दैट वन इज द ओनली नंबर ऑफ वन, ठीक है। तो ये क्या है पैरिटी, पैरिटी में चार है। हम लोग क्या बोलते थे कि अगर इवन पैरिटी है, इवन पैरिटी है तो क्या बोलते थे कि P जो है वो वन होगा, और अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर देखा जाए तो, अदरवाइज अगर देखा जाए तो P क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो यही बात बोला है, तो पैरिटी यहाँ पे क्या है, इवन पैरिटी आया, एक दो तीन चार, चार है, तो यानी क्या यहाँ पे इवन पैरिटी आया, और इवन पैरिटी में हम लोग क्या देखे थे, इवन पैरिटी में वन होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैरी में, कैरी में क्या बोला है, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरी जनरेट हो रहा है, तो यस कैरी जनरेट है, तो CY इक्वल टू क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, ठीक है, यानी CY इक्वल टू वन हो रहा है, इसका मतलब क्या, कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है। अब आते हैं क्या, एक्सिलरी कैरी में, एक्सिलरी कैरी में क्या होता है, जैसे आपको इसके पहले भी बताए थे कि एक्सिलरी कैरी का कंसेप्ट क्या था, क्या कंसेप्ट था कि D3 से D4 के टर्म में अगर कैरी गया है, तो यहाँ पे देखिए D3 से D4 के पास गया है क्या कैरी, यस गया है, कहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है कैरी, तो अगर कैरी गया है यानी D3 से D4, यानी कि एक निबल से, बोल सकते हैं कि एक निबल से दूसरा निबल में गया है क्या कैरी, तो क्या बोल सकते हैं क्या,
कि कैरी सीवा इज इक्वल टू वन होगा। ठीक है, यहां तक आई होप समझ आ गया होगा कि कैरी इज इक्वल टू यानी एसी इज इक्वल टू वन होगा अगर कैरी एक निबल से दूसरे निबल में ट्रांसफर हुआ है तो। ठीक है, तो ये सारा क्या था, स्टेटस फ्लैग था। ठीक है ना, जितना भी स्टेटस कर रहा है, साइन में क्या स्टेटस कर रहा है, जीरो में क्या स्टेटस कर रहा है, पैरिटी में क्या स्टेटस कर रहा है, कैरी में क्या कर रहा है और एक्सिलरी कैरी में क्या क्या कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसका रिजल्ट पे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि बीसी और डी, ठीक है इसको भी भूल जाइए, हम सिंपली जानते हैं क्या कि सी किसको बोलते हैं, सी बोलते हैं किसको, 12 को। ठीक है, सी किसको बोलते हैं, 12 को बोलते हैं। डी किसको बोलते हैं, डी बोलते हैं 13 को। तो 12 + 13 क्या होगा, 3 और 2 5 और 1 1 कितना होगा, 2 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में सिर्फ और सिर्फ 16 नंबर तक लिखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या किया, 25 - 16। ठीक है, तो क्या आ गया, 9 आ गया और ये इसका यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है रिजल्ट, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे बी क्या लिखते हैं, बी को लिखते हैं क्या, 11। देखो यहाँ बी 11 लिखा हुआ है। ठीक है, डी को क्या लिखते हैं, 13। अब यहाँ पे एक चीज और, सी और डी, डी के पास 9 लिख दिया और साथ में क्या गया है, एक कैरी भी चला गया है। ठीक है, क्योंकि यहां से माइनस कर रहे हैं तो कैरी के साथ जा रहा है 1। ठीक है, यहाँ पे कैरी भी जा रहा है। ठीक है, तो भी क्या लिख रहे हैं, 11 यानी इसको क्या बोल सकते हैं, बी है और ये क्या है, डी है। ठीक है, तो बी और डी कितना लिखे हैं, 24 और ये साथ में क्या है, 1, ये 1 आया है एक कैरी। ठीक है ना, तो 24 + 1 कितना है, 25। अब 25 तो हम लोग हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें क्या होगा, 25 - 16 तो हमें सिंपली क्या लिख देंगे, 9। और यहाँ पे भी कैरी जनरेट हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे भी बगल में भी एक कैरी जनरेट होगा, भले इसके बगल में कोई डिजिट नहीं है लेकिन कैरी क्या होगा, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका लास्टली रिजल्ट कितना आएगा, 199। ठीक है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिजिटल नॉन डिजिटल के टर्म में भी। तो ये सारा जो भी टर्म था सिंप्लीफाई किया हुआ था क्या, BCDE के बारे में। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम्पल को लेंगे तो ये पांचों चीज को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, साइन को डिनोट कर सकते हैं, जेड को डिनोट कर सकते हैं, पैरिटी कैरी और एक्सिलरी कैरी, जो भी है जितना भी स्टेटस फ्लैग है सारा का सारा इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां से यहां तक। ठीक है, अभी ठीक है, ओके, ऑल फ्लैग आर कंप्लीटेड। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी पिन डायग्राम ऑफ 8085। आई होप माई वीडियो इज गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।